या हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं एयरटेल कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ सर। 9867420 आप ही का नंबर है ना सर ये? जी जी इस नंबर को बंद कराने की रिक्वेस्ट आई है सर, इसी कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल किया गया है सर। नहीं, ये नंबर बंद नहीं होने वाला है। इसी कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल किया गया सर कि आपने आधे घंटे पहले कस्टमर केयर में कॉल करके ऐसी रिक्वेस्ट की है सर। नहीं सर, ऐसा कोई भी कंप्लेन मैंने नहीं किया है, और मैं क्यों करूंगा सर अपना चालू नंबर बंद करने के लिए? इसी कंफर्मेशन के लिए कॉल आया था सर, क्योंकि नहीं हाफ एन नहीं आवर बिफोर ये कॉल आया था कस्टमर केयर में, तो नहीं 9867350640 इस नंबर को बंद करवाने के लिए बोला गया कि ये नंबर मेरा खो गया है, इसको इमिडिएटली बंद कीजिए। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी कंफर्मेशन के लिए कॉल किया सर कि रिक्वेस्ट आप ही की तरफ से आई है, आपके नंबर के साथ किसी ने फ्रॉड करने की कोशिश की है सर। माइट भी फ्रॉड करने की कोशिश की होगी सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है हमारी तरफ से रिक्वेस्ट किया गया। ऐसी आपकी तरफ से कोई कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं की गई ना सर कि नहीं नंबर नहीं क्लोज कराने की? नहीं जी सर, यहाँ से जो रिक्वेस्ट आई थी, रिक्वेस्ट यहाँ से कैंसिल कर दी जाएगी। ओके ओके। आपका नाम सर? जी, माय गुड नेम राजेंद्र शर्मा सर। राजेंद्र शर्मा फ्रॉम ब्रांच। या फ्रॉम बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ओके ठीक है। या नाउ आई हैव सेंड वन एसएमएस सर, यू हैव टू फॉरवर्ड दिस मैसेज टू 121 सर, एयरटेल कस्टमर केयर नंबर। या यू हैव टू ये सेंड दिस वही वाला मैसेज। है क्या सर? इससे पहले भी ये फोन आ चुका है? कब आई थी फोन आपको? हाँ सर, बहुत अच्छे लोग रहते हैं ये सब नंबर में। क्या क्या एक मिनट अच्छे खाली, नंबर? एक मिनट खाली होल्ड करिए। हाँ सर, ये मतलब आप लोग करते क्यों है, मेरे को ये नहीं समझता है। इस मैसेज को 121 पे फॉरवर्ड कीजिए सर। हाँ सर, मेरे को जवाब दीजिए ना सर, यस टेल मी, आप लोग ऐसा फ्रॉड करते क्यों है, इंसान को परेशान क्यों करते हैं? ना फ्रॉड आप मतलब एयरटेल इसमें से क्या बात फ्रॉड? कर रहे हैं, हाँ ना आप एयरटेल से बात कर रहे हैं, हाँ बराबर? आप एयरटेल से तो यस, बात नहीं कर रहे हो, है ना? सच्ची कहाँ से बात की? बोलिए। अरे आपको आपको कितना दिन पहले कॉल आया था? सर वो छोड़ दीजिए, कितने दिन पहले कॉल आया था, आप मेरे को सच्ची बताइए, आप एयरटेल से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं, बोलिए। नहीं कर रहे ना? क्यों करते हैं सर ऐसा, मेरे को बताएंगे आप? क्यों परेशान करते हैं इंसान को, कुछ फायदा किसको होता है इससे? परेशान? हम्म, कुछ फायदा फायदा होता है तो होता इससे? है। क्या फायदा होता है सर? मैं एक जेन्युइनली खाली एक आंसर जानना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को आपका नंबर दूंगा या कंप्लेन करूंगा। हम लोग भी रोजा रमजान में रहते सर, परेशान होते हैं, आप लोग भी परेशान होते हैं, क्यों ऐसा नहीं करते हैं सर, सर? बहुत फायदा है, फायदा है, फायदा है, इसीलिए तो बोले ना। क्या फायदा है सर? चलिए ठीक है, वो तो आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या फायदा है, वो आपको आप ही इससे पहले बेहतर कितने दिन जानते हैं पहले कॉल आया था? सर। ये तो हम परेशान हो गए सर, ऐसे नंबर से कॉल आ रहे हैं हमें, प्लस उसके बाद मैसेज आता है, मतलब इसलिए एसएमएस आया था आपको 121 फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहा था ना। बराबर सर, बराबर अरे इसमें क्या होता है कि अभी जैसे तुम मैसेज को फॉरवर्ड करता ना, जी। उस बार फॉरवर्ड किया था क्या? नहीं ना सर, इसके लिए तो हमने आपसे पूछे। ये बोला यार मैसेज को ये तुम जी फॉरवर्ड करता, मेरा जी बात सुनो, इस मैसेज को तुम फॉरवर्ड करता ना जी जी 121 पे, जी उधर से एक रिप्लाई वन का एसएमएस आता कस्टमर, जी अरे वो रिप्लाई वन करते तो आपका नंबर बंद हो जाता, इसकी तो फिर आदमी और को नंबर आई परेशान, की नंबर चालू ही नहीं होएगा, ऐसा हो जाता है, हाँ? नंबर चालू ही नहीं होगा फिर। नहीं, नंबर चालू होगा, वो नंबर आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा 3 घंटा के अच्छा बाद, मैं आपका समझ नंबर मेरे गया, पास, हाँ, फिर वो मेरे नंबर आप आपका यूज, नंबर, वो नंबर आप हाँ यूज नंबर कर नहीं लेंगे ऐसा है। यूज करेंगे। अगर आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है या फिर किसी बैंक में अकाउंट है तो आपका पैसा गया। अरे बाप रे, चलो ठीक है सर, क्या करें, लेकिन मैं सही पकड़ा बराबर। हाँ चलो ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, अगर आपको इससे पहले अगर कॉल नहीं आता ना तो आपको नहीं गारंटी, आप यार, मैसेज तो मैं नहीं फॉरवर्ड कर पकड़ देते पाता क्योंकि था, बराबर आप सही बोले सर, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेरा आवाज उसका आवाज में बहुत अंतर होगा। हाँ अंतर तो है उसमें, बराबर बोले आपने, धन्यवाद सर। नहीं मैं बोल दिया एग्जैक्टली, अगर नेक्स्ट टाइम मेरे जान के लिए नहीं, हमें नेक्स्ट टाइम में समझ कोई, में तो आ ही गया वो, इसके लिए हमने आपसे सामने से ही पूछ लिया ये चीज। नहीं मैं बोल दिया कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन मालूम है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बोल दूं कि ऐसा ऐसा होता है। धन्यवाद अगर धन्यवाद मान लीजिए सर।
अभी तो आपका आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, यहाँ से मैं पता किया हूँ आपका तो अकाउंट है ही है, वहाँ से अपने को आप लोगों को ट्रैक हो जाता है वो चीज, है ना? बराबर यहाँ से हम लोग ट्रैक करते हैं कि आईसीआईसी बैंक में जिसका अकाउंट है उसका नंबर चेक करते हैं, एयरटेल का नंबर हुआ तो रिप्लेस करते हैं डायरेक्टली, यूजर आईडी जो होता है आईसीआईसी बैंक का वो पासवर्ड डायरेक्टली अपना मोबाइल पे लॉगिन करते हैं और अमाउंट जितना रहता है ट्रांसफर हो जाता जाते हैं। है। बराबर बराबर सही है सर, सही है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल कभी भी भी नहीं, कॉल आएगा अपना कार्ड वार्ड नंबर कभी शेयर नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे कार्ड को नंबर अच्छा चाहिए लगा टेलीफोन सर आया तो सामने से आप बता दिए, तो बहुत से लोग कभी कहते हैं गलती हो जाती है उनसे। हाँ नहीं, कभी कभी कॉल आया था कि एटीएम के लिए एटीएम कार्ड नंबर सर बोलिए। आया था इससे पहले भी बहुत से फोन आए, मतलब वही लिंक अप रहता है ना सबका फोन नंबर, वही हिसाब से फिर मिल जाता आप लोग को डिटेल उसमें से, नहीं एक सॉफ्टवेयर होती है, सॉफ्टवेयर में उसके नंबर थ्रू डालोगे हो तो लिंक जाता है। बता दे, बता देगा कि कौन कौन सा बैंक में लिंक है। जी। ये तो सिस्टम का ही प्रॉब्लम है ना, हम लोग का इसमें तो कोई नहीं प्रॉब्लम ही नहीं नहीं है, वो बात सिस्टम भी सही है, अपना इंडिया ही अब ऐसा हो गया, क्या करे यार। अगर सिस्टम में अगर तुम पूरा ओपन दे दोगे तो आदमी फ्रॉड तो करना चाहेगा इजीली ही हो ही चाहिए। जाएगा। और सबसे आसान हो गया ना भाई ये आज के तारीख में, बहुत इजी हो गया, हाँ तो कुछ ओपन नहीं मार्केट आजकल है से ये, सिर्फ, ओपन मार्केट है हाँ पूरा। सिर्फ ओके सर अगर हम उसका मोबाइल नंबर से अगर उसका पूरा पैसा भी अपने अकाउंट में ले लेते हैं तो गरीब कितना इजी है, सोचिए कितना इजी है इस बंजर काम हो को। जाएगा यार, ऐसा मत करो यार, किसी अगर आपको हम का आपका सिम पैसा रिप्लेस है करते यार, हैं किसी के घर वो में मम्मी डैडी बीमार है, उसका पैसा आदमी संभाल के रखा है, फिर ऐसा चले तो जा रहा है, है वो आदमी की तो लेकिन जमीन के नीचे अगर से दुनिया ही हट जाएगी यार। नहीं अभी जैसे आपका हम नंबर रिप्लेस कर लेते हैं, जी जी अगर आपका पैसा हम निकाल लेते हैं तो आपका जरा सा भी डाउट नहीं होता कि पैसा जब आप बैंक जाते हैं फिर एटीएम मशीन जाते हैं पैसे निकालने के लिए, उसमें आपको पता चलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा निकला है। जी बराबर बराबर क्योंकि बोला अभी तो आपने। अगर अभी आपका नंबर बंद तो आपको तो ध्यान सिर्फ रहता है कि मेरा सिम कैसे बंद हो गया, क्या कर दिया, आपका ध्यान टोटली आपका जो माइंड ऑफ है वो आपको टाइटली आपको सिम पे ध्यान देगा, बराबर एयरटेल पे नंबर पे, तो बराबर आपको फिर बराबर। बैंक अकाउंट से ऐसी कोई आपको डिटेल्स तो उसमें माइंड ऑफ उसमें आपका जाएगा ही नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने भाई, चलिए क्योंकि धन्यवाद टोटली आपने आपको जो माइंड अप बताया, है उसमें आपको वो नंबर पे ही जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद भाई। ठीक है सर। अभी आपका रमजान चल रहा है क्या? ठीक हाँ सर रमजान चल रहा है यार, धन्यवाद है, आपसे बात सर करके अच्छा जानकारी लगा के लिए, थैंक यू सो मच सर। सर। हमको मत बोलिए क्योंकि हमको बैंक मैनेजर नहीं रियल में थोड़े हैं। रे भाई, लेकिन आपने मेरे को जानकारी दी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, दोस्त दोस्त ही बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत कितना से एज लोग तो हुआ आपका? बताते भी नहीं है आप समझे। कितना एज हुआ आपका? अरे अपनी एज तो सर 35 हो ही गई है घसीट के। आपकी एज कितनी है सर? 18 20। मेरा 19 है। आई शाबाश, सही है। अपना ये ज्यादातर कॉल्स लेकिन बिहार साइड से ही होता है। बिहार नहीं होता, झारखंड से होता है, हाँ बिहार वाला नहीं झारखंड करते। से, क्योंकि अपने भी दोस्त अहबाब है जो झारखंड के हैं, वही कहाँ के हैं आप झारखंड? झारखंड में शायद ये टाटा नगर के करीब कौन सा पड़ जाता है यार? जमशेदपुर? हाँ जमशेदपुर, बराबर बोले आपने, धन्यवाद मतलब आप क्या सर। करते हो, क्या करते क्या आप? अपना छोटा मोटा सा कारोबार है सर, साइकिल की बिजनेस? दुकान है अपनी। ठीक धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक ठीक है, नंबर सेव कर ले, कोई भी कभी काम होगा तो फोन करेंगे। ठीक है यू। श्योरली श्योरली सर श्योरली, थैंक ठीक यू है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू।